दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ कल राजस्थान की सारी मंडियों का वार्तालाप टेलीफोनिक व लिखित पत्र द्वारा हर मंडियों से मंगाया गया कि आप अपनी मंडियों में क्या चाहते हैं। उस पर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने मैसेज निकाल के और फ़ोन करके हर मंडी के अध्यक्ष सेक्रेटरी अन्य व्यापारियों से मांग कर सलाह करी कि इस बारे में आगे के लिए क्या निर्णय किया जाए। उसके लिए कई व्यापारियों ने फ़ोन पर समाचार दिए और करीब 150 मंडियों से लिखित में पत्र प्राप्त हुए कि इस बंद को आगे के लिए और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बाद में निष्कर्ष ये निकाला गया कि 15 मई तक व्यापार संपूर्ण बंद रखे जाए और इसमें तेल मिल आटा मिल को भी सख्ती के साथ में सम्मिलित किया जाए। सरकार से आपकी मांगों पूरे करने का क्या आश्वासन मिला? सरकार से अभी कोई वार्तालाप नहीं हुई। मुख्यमंत्री महोदय अभी बिजी चल रहे हैं, कल भी MLA साहब से VC वगैरह थी, आज PM से VC है, शायद हो सकता है उसके बाद कोई समय देकर वार्तालाप शुरू हो गए। कारण क्या रहा, कारण क्या है इसका? जो राजस्थान सरकार ने कृषक कोष 2% लगाया उसके विरोध में ये हड़ताल की जा रही है और ये अगर नहीं हटाएंगे तो राजस्थान में महंगी भाड़ा बढ़ जाएगा, किसान को माल कम भाव में बिकना पड़ेगा और असामाजिक तत्व राजस्थान से माल 2 नंबर में बाहर ले जाके बेचेंगे तो राजस्थान को माल की शॉर्टेज हो जाएगी, सब चीज़ महंगी मिलेगी। आपका परिचय? माणक चंद सिसोदिया, अध्यक्ष होलसेल मर्चेंट एशियन मंडी यार्ड।